हरियाणा प्रदेश में 2024 के विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं अपने सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में जाकर जोर लगा रही हैं और विधानसभा के चुनाव जीतने के लिए लोगों को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए घोषणाएं हो रही हैं और एक दूसरी पार्टियों पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। वहीं जिला चरखी दादरी में भी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां आकर यहां रैलियां कर रही हैं और सभाएं कर रही हैं। वहीं यहां के चरखी दादरी के लोगों से भी पूछेंगे कि जो विधानसभा के चुनाव हैं यहां क्या कुछ चल रहा है। विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है, अब क्या कुछ होने वाला है ये लोगों से भी बात करेंगे। जी, विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे चरखी दादरी के विधानसभा चुनाव को लेके? चरखी दादरी में तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, नालों की न तो सफाई है, न कोई रोड बन रहा है, न नलकों का पानी ठीक आता है। दादरी में तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं है, समस्या ही समस्या है। लेकिन दादरी से हम उस कैंडिडेट को जिताएंगे जो हमारे साथ रहे, समाज में रहे, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमें आदमी से मतलब है। दादरी में तो विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो बारिश नहीं आई, परमात्मा ने अच्छा काम कर दिया दादरी शहर के लिए, नहीं तो अब तक दादरी डूब जाती। चाहे डीसी हो, कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं है यहाँ पर। यहाँ का बुरा हाल है, रोडों पर चलें तो आंखड़ी लगती हैं, अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसके छींटे लगती हैं, दो टपके बारिश के आ जाते हैं तो स्कूल में जाने लायक नहीं होता। तो मैं तो यही कहूंगा, आने वाले चुनाव में उसी कैंडिडेट को दादरी से वोट देंगे जो समाज में रहने लायक है, समाज में रहता हो, समाज के काम आए। समस्याएँ हैं दादरी की और कैसा कैंडिडेट होना चाहिए, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? दादरी में समस्याओं का पहाड़ ही पहाड़ है, बीजेपी सरकार ने कुछ भी गौर नहीं किया। रोड सारे फुट्टे पड़े हैं और सीवर लाइन सारी अव्यवस्थित हैं, सीवरों की समस्या कई साल से है, कई बार मतलब प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है इस बारे में, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर रहा। पहले मतलब 3-4 साल से आई बार मतलब 50% आबादी पानी, बरसात के पानी से बाढ़ में डूब जाती थी। अब की बार कह रहे हैं व्यवस्था की है वो, लेकिन बरसात नहीं आई, भगवान ने बरसात नहीं की, वो देखते हैं क्या व्यवस्था की है या नहीं की है। बाकी यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर ज़्यादातर यही है जी, जो अच्छा कैंडिडेट होगा ना, पार्टी से कोई लेना देना नहीं, यहाँ कैंडिडेट अच्छा हो जो समाज के हित में काम करे, जो दादरी की समस्याओं को सुलझाने में काम करे। पीछे एक बार सतपाल सांगवान जी बने थे, उन्होंने अच्छा काम करया था, अब की बार तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा। बाकी देखते हैं किसको टिकट मिलती है किसको नहीं। आप क्या सोचते हैं विधानसभा चुनाव में कैसा कैंडिडेट होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए? कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो हमारे सुख दुख में काम आए। पीछे जो भी विधायक बना, हम पानी के अंदर बैठे रहे, वो हमारी आगे कोई सूझबूझ नहीं ली, तो हम मिलनसार वो व्यक्ति हो चाहे किसी भी पार्टी से हो उसके साथ है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? कैंडिडेट जी ऐसा होना जो कि विधायक हमारा जो कोई काम करने वाला हो। हम तो ये मेरी दुकान ये है जी, मेरी दुकान में 4 फीट पानी था और किसी ने कोई नहीं पूछा और 2 महीने तक पानी खड़ा रहा। हम तो बहुत परेशान हैं जी इस सरकार से, हर चीज़ में लगा लो, महंगाई में लगा लो, बीजेपी सरकार ने तो हमारे लिए कोई भी बेनिफिट नहीं किया जी, कोई भी। बीजेपी पार्टी की सहयोगी जेजेपी पार्टी भी थी? हाँ जी थी, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया जी, उन्होंने भी आके यहाँ जलसा किया था, बोला पानी नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं करूँगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ भी नहीं किया जी। टाइम आया तो दिखे भी नहीं, जो भी कुछ किया तो इस दादरी में सत्यपाल ने किया था और बाकी किसी विधायक ने नहीं, कोई काम नहीं किया। ठीक है जी, लोगों का कहना है कि ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो मिलनसार हो, समाज में बैठना हो और विकास के कार्य करवाने में सक्षम हो। अभी तक कोई ऐसा कैंडिडेट उन्हें इस योजना में नहीं मिला कि वो काम करवा सके। लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, लोगों के ये दुख लोग बता रहे हैं कि अब की बार जो सरकार बनी थी और अब की बार जो कैंडिडेट यहाँ चरखी दादरी से आया था उसने कोई विकास कार्य नहीं करवाया, ये लोगों का आरोप है। लेकिन अब की बार विधानसभा चुनाव में जो कैंडिडेट बन के आएगा उनके मुद्दे स्थानीय मुद्दे रहेंगे और जो विकास करवाने में सक्षम होगा वो उसी को वोट देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से कैंडिडेट हों। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा।